हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आयशा। जो जैसे कि आप देख ही सकते हो, प्लेट में बहुत ही डिलीशियस चिकन चाउमीन रखा हुआ है। इसको आज हमने ट्राई किया है, तो चलिए आप सबके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। बहुत ही आसान सा रेसिपी है जो झटपट घर पे तैयार हो जाता है और बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है ना। तो चलिए घर पर ही बनाते हैं चिकन चाउमीन। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी को। हमने चिकन चाउमीन बनाने के लिए क्या क्या लिया है उस सबका दिखा देते हैं। अनियन चॉप कर लिया है, 2 बड़े अनियन, कैबेज, और ये ग्रीन कैप्सिकम है, बीन्स और ग्रीन चिली। आपके पास और भी वेजिटेबल होगा तो आप उसको ले सकते हैं। हमारे पास इतना था तो हमने इतना ही लिया है। ये चाउमीन का पैकेट है। चिकन हमने बाहर से ख़रीद के लेके आए हैं, चिकन चिकन पकौड़ा, और 2 अंडे, और टमाटर केचप, चिली सॉस और सोया सॉस। उसके बाद मैंने एक पतीले को गर्म पानी करने के लिए रख दिया है। उसके अंदर मैं नमक दे दूँगी और कुकिंग ऑयल दे दूँगी, जिससे कि इसमें हम अपना चाउमीन उबालेंगे, जिससे कि वो एक साथ चिपके ना, अलग अलग रहे। इसके लिए मैं ऑयल दे दूंगी। उसके बाद इसको थोड़ा सा उबालने के बाद मैं इसके अंदर जो भी चाउमीन है उसको तोड़ के इसके अंदर दे दूंगी। उसके बाद ये थोड़ा सा पक जाए तब हम इसको निकाल लेंगे। तो देख सकते हो, उसको देखे थोड़ा सा, आपको जितना क्वांटिटी में चाहिए आप उतना ले सकते हो, तो मैंने दे दिया है। उसके बाद अच्छे से इसको मिला दूंगी, इसको थोड़ा सा उबाल आने देंगे। उसके बाद जब ये पक जाए, आप अपनी करछी से चलाते चलाते देख लेना कि ये पका कि नहीं, तो इसे हम पका लेंगे। करीब हम इसको 80% तो पका ही लेंगे। उसके बाद हाँ, हम चेक करके उसको अच्छे से इसका पानी सोख के निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे अच्छे से जगह पर रख देंगे जिससे कि ये चिपके ना, अलग अलग रहे। सो इसे अच्छे से निकाल लेंगे। हाँ, और इस रेसिपी बनाने के लिए मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे क्योंकि कल बहुत ज़्यादा गर्मी था। तो हाँ, ये कल का रेसिपी है, हमने कल रात को इसको बनाया था। वो मेरी हेल्प कर रहे थे। और तो हमने इसको अच्छे से पानी निकाल लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो एग्स लाए थे वो पहले उसको फ्राई करके अलग से निकाल लेंगे। तो 2 एग्स को मैं फ्राई कर लूँगी, इसके अंदर हल्दी और रेड चिली पाउडर, नमक दे के अच्छे से इसको फ्राई करके भुजिया टाइप्स बना के इसको अलग से निकाल लेंगे। उसके बाद जो भी वेजिटेबल होगा उसको अलग से फ्राई करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद इसको मैं अलग से उठा लूँगी। आप रेसिपी देखते देखते जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए। तो गाइस, मैंने फिर उस भुजिया को निकालने के बाद अलग से कुकिंग ऑयल दे दिया है। उसके अंदर दे दूंगी अनियन, अनियन को थोड़ा सा सॉटे करने के बाद उसके अंदर दूंगी ग्रीन चिली, उसको भी थोड़ा सा पकाना है, पकाना नहीं है बस सॉटे करना है। उसके बाद हमें देना है कैप्सिकम, बीन्स और उसके बाद कैबेज। उसके बाद इन सबको अच्छे से मिलाना है, और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक भी दे देना है। आपको याद रखना है क्योंकि हमने चाउमीन उबलने के बाद टाइम नमक दिया था, और सोया सॉस में भी नमक होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नमक देना है, ज़्यादा नहीं देना है। तो अच्छे से इसको मिला लेंगे। उसके बाद जो भी केचप है सॉस है, हम उसको एक एक करके दे देंगे। जैसे कि पहले हम टमाटर केचप देंगे, फिर चिली सॉस देंगे, टमाटर केचप दे रहे हैं, उसके बाद चिली सॉस देंगे, उसके बाद सोया सॉस देंगे। सोया सॉस मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में इसका स्वाद सबको पसंद नहीं आता। आप चाहे तो थोड़ा सा और भी डाल सकते हो, आपके अकॉर्डिंग, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने सोया सॉस भी डाल दिया है। मैंने सारे सॉस 2 स्पून ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, और आप जितना नूडल्स बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग दीजिए। उसके बाद मैं जो अंडा फ्राई करके रखा था उसको दे दिया है। उसके बाद चिकन जो हमने फ्राई करके रखे थे, मतलब ले आए थे, उसको भी दे दिया है, चिकन पकौड़ा। उसके बाद सबको मिलाने के बाद जो नूडल्स है उसको दे देंगे इसके अंदर। उसके बाद 2 करछी से इसको अच्छे से मिलाना है, जो मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो मेरे हस्बैंड ने किया है सब। तो अच्छे से इन सबको मिलाना है, जैसे कि सब्जी, मसाले, सारे सॉस अच्छे से मिल जाए। बहुत ही टेस्टी बना था गाइस, आप ज़रूर घर पर एक बार ट्राई करना। और बहुत ही आसान सा रेसिपी और बहुत झटपट सा बन जाता है, बट हमें स्ट्रीट जो बाहर मिलता है, स्ट्रीट डाइट, उससे तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना था, बहुत ही अच्छा बना था। तो आप ज़रूर घर पर ट्राई करना। इस आपको एक काम ध्यान रखना है कि आप इसे अच्छे से मिलाना है, नूडल्स और जो भी सब्जी है, सॉस है, वेजिटेबल है, उनको अच्छे से मिलाना है। मिलाने का काम ही बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बट
इतना भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते, बट आपको करना है, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद हमारा रेडी है नूडल्स, चाउमीन, चिकन चाउमीन। तो इसको हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छा कलर आया था और बहुत ही खाने में टेस्टी बना था। तो चलिए, बोधे खाना बहुत ही आसान है, आपको कहा ना आप ज़रूर ट्राई करना मेरी ये रेसिपी को। तो चलिए निकाल लेते हैं प्लेट में। आप घर में ज़रूर ट्राई करके देखना और कैसा बना है ये रेसिपी ज़रूर कमेंट में बताना आप। और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं प्लेट में और सजा लेते हैं। सजाने के बाद खा लेते हैं गाइस। सो आप देख लीजिए कितना सुंदर बना था ये, है ना डिलीशियस। सो गाइस मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।